नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 14वां दिन है। रूस यूक्रेन पर अपना हमला लगातार तेज करता जा रहा है, जिसको लेकर दुनिया भर के देश नाखुश है। अब तक कई देशों ने रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो वहीं अब बड़े से बड़े कंपनियां भी रूस के खिलाफ जो है वो खड़ी हो गई है और यूक्रेन के समर्थन में कदम उठाते हुए दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में अब मैकडॉनल्ड्स ने रूस में अपने सभी 850 रेस्टोरेंट को अस्थायी रूप से बंद करने का फैसला लिया है। बता दें कि बीते सोमवार दोनों देशों के बीच तीसरे दौरे की वार्ता हुई थी, जिसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल सका है। जानकारी के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स ने अपने सभी 850 रेस्टोरेंट के कर्मचारियों को एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें कंपनी के अध्यक्ष और सीईओ क्रिस ने कहा है कि फिलहाल स्टोर को बंद करना ही सही होगा, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स यूक्रेन पर इस तरह के मानव पीड़ा को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। मैकडॉनल्ड्स ने अपने कर्मचारियों को ध्यान में रखते हुए कहा कि वो रूस में सभी 62,000 कर्मचारियों को भुगतान जारी रखेंगे। जानकारी के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स के पास रूस रेस्टोरेंट का 84% हिस्सा है। कंपनी ने बताया था कि रूस और यूक्रेन के बीते साल कंपनी के राजस्व में 9% का योगदान दिया था। बता दें कि इससे पहले KFC और पिज्जा हट ने भी अपने निवेश और डेवलपमेंट पर रोक लगाने का फैसला कर लिया था और यूक्रेन के मदद का वादा भी किया था। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि रूस पर लगातार प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, दिन पर दिन ये प्रतिबंध और भी कड़े होते जा रहे हैं। तमाम बड़ी कंपनियां जो है वो रूस में अपने स्टोर्स और रेस्टोरेंट को बंद कर रही है, जिसका सीधा प्रभाव रूस के लोगों पर पड़ेगा। और अब कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही है कि रूस के लोग ही पुतिन के खिलाफ खड़े ना होते हुए दिखाई दे और अब पुतिन को तख्ता पलट होने का भी खतरा नजर आ रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव। धन्यवाद।